नमस्कार, मैं अनुराग कपूर, स्वागत है आप सभी का आइडिया सिटी न्यूज प्राइम टाइम में। बिहार के कैमूर जिले के प्रखंड मुख्यालय रामगढ़ में रविवार के दिन बिहार के इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह का भव्य स्वागत हुआ। जदयू कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और आरसीपी सिंह ने कार्यकर्ताओं से मिलकर कुछ मुख्य बिंदुओं व विचार पर चर्चा किया। उसके बाद आरसीपी सिंह का काफिला नुआवा के लिए रवाना हो गया। बात करते हैं अगली दूसरी खबर का। भारत में कुल 70 करोड़ कोरोना वैक्सीन लग चुके हैं और इसी बीच गोवा एक पहला ऐसा राज्य बना है जो कि फुल वैक्सीनेटेड है। आपको यह भी बता दूं कि पिछले 24 घंटे के भीतर 54 लाख कोरोना वैक्सीन की टीकाकरण लग चुकी है। वहीं भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे के अंदर भारत में कोरोना के कुल 27,254 मामले सामने आए हैं। वहीं इसके अलावा 24 घंटे के दौरान कुल 219 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। अब तक के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया है कि कोरोना से अब तक कुल 4,50,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बिहार में कोरोना की मार के बाद अब डेंगू, मलेरिया और अब बढ़ रहे संक्रमण से स्वाइन फ्लू के डर के कारण लोगों के बीच एक दहशत पैदा होने लगा है। जी हाँ, हाल ही में कोरोना से लड़ने के बाद अब बिहार एक नए परेशानी से जूझ रहा है जो कि डेंगू, मलेरिया और स्वाइन फ्लू है। हालांकि पटना के एम्स के डॉक्टरों ने बताया है कि मास्क एक बहुत बड़ा हथियार की तरह काम करेगा इसमें भी। हालांकि उनका कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अगर हल्की बुखार है तो दवा ना लें और एक दो दिन हो जाने के बाद ही अस्पताल में जाएं और इसका इलाज करवाएं। तो तब तक के लिए देखते रहें और बने रहें आइडिया सिटी न्यूज़ प्राइम टाइम।